हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग। तो फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में भाई। तो भाई मैं ना अभी एक गुरुद्वारे में हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है गुरुद्वारे का, अभी पूरा प्रॉपर बन के तैयार नहीं हुआ है। बाकी आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं अगर आप रात में, अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती हो, और इधर आपको सोने के लिए जगह मिल जाएगी। इधर भाई जी हैं हमारे, तो एक से उधर भाई जी हैं। भाई जी नाम अपना? गुरप्रीत सिंह सेवादार जी हैं, और थे वो सो रहे। एक और भाई जी हैं, वो हैं नहीं अभी। तो अपनी रानी यहाँ पे खड़ी हुई है भाई, और निकलते हैं अपन। थोड़ा बोर्ड वोड साफ कर देते हैं, यहाँ गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा। आगे का तो इतना नहीं हुआ, थोड़ा पीछे का हो चुका है अपने, काफ़ी मिट्टी लग गई है। तो भाई जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी निकल चुका हूँ गुरुद्वारे से। तो भाई मैं जा रहा हूँ अब सीधा विराट नगर। तो गाइस विराट नगर यहाँ से 22 किलोमीटर है, और विराट नगर ये वही विराट नगर है जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष को काटा था। और यहाँ के जो राजा रहे हैं विराट, उनका महल है वहाँ पर। तो आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे उस, और उसका इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। और चलो चलते हैं उसको एक्सप्लोर करने। तो अभी मैं काफ़ी देर से साइकिल चला रहा हूँ, गुरुद्वारे से मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं अभी विराट नगर के रास्ते पे आ चुका हूँ। जैसे कि ये मेरे पीछे जो रास्ता है वो विराट नगर की तरफ ही जा रहा है, और ये मैं अभी जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे से इधर से आया हूँ। विराट नगर के बारे में बता देता हूँ भाई। विराट नगर जयपुर के पास में बसा एक नगर है, जो कि प्राचीन समय में मत्स्य की राजधानी रह चुकी है। और यहाँ पे जो विराट नगर जो नाम पड़ा है वो यहाँ के राजा विराट के नाम पर है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, पांडवों ने यहाँ पर है ना अपना अज्ञात वर्ष यहीं पे काटा था। तो हम भी देखने जा रहे हैं। और कहा जाता है कि पांडवों ने जो अपने हथियार थे वो यहीं पर छुपाए थे। तो उसके बारे में यानी कि यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अभी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या है। तो चलते हैं अभी। कोई भाई यहाँ पे ना केले देके चला गया था, तो अभी केले खाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं निकलूँगा। तो भाई कुछ लोगों ने रोक लिया था, तो कुछ आ रहे हैं भाई अपने। लो भाई, राहुल जादूर है नाम है भाई, विराट नगर क्षेत्र किसुंद्रा पंचायत। ये अपना इंस्टाग्राम पे भाई, मेरा भी इंस्टा आईडी है राहुल फौजी 002। राहुल फौजी 002। चलो भाई, इंडियन आर्मी की हाइट बहुत अच्छी है यार भाई, हाइट 6'3" है। इंस्टा आईडी पर देखो आपकी हाइट बढ़ाने की गारंटी मेरी 100% रहेगी। तो भाई मैं अभी इधर से आ रहा था, तो ये अपने विराट नगर के लिए रास्ता है। तो भाई मेरे को ना बीच में ना कुछ है ऐसे से, देखो मंदिर बनाने के लिए यहाँ पे ना कुछ कारीगर जो देखो शिवलिंग बना रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, बाकी आपको दिखाता हूँ ये कारीगर साहब। तो यहाँ पे देखो नंदी जी बनाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, तो ये देखो वहाँ पे एक नंदी जी पूरा बना दिया है। ये देखो बड़ी बड़ी मूर्ति कृष्ण भगवान की, यानी कि पूरा पत्थर काट के बनाया जाता है ना। अच्छा, ये काल का हमारी बढ़ाई हुई है देखो ये। तो भाई गाइस रास्ता और नज़ारा कितना प्यारा है, आप देख सकते हो विराट नगर के लिए जब हम जाते हैं। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ विराट नगर, और विराट नगर में मैं सबसे पहले आया हूँ जैन मंदिर। गाइस पूरे मंदिर को हमें, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। उज्जैन जैन, जैन। अच्छा, राजेंद्र जैन। तो भाई हमें आज ये मंदिर राजेंद्र जैन जी घुमा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा राजेंद्र जी से पूछते हैं। तो बताइए राजेंद्र जी। चलिए आज अपन यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं, हाँ, जैन धर्म के 3 तीर्थंकर की मूर्ति जो यहाँ पर स्थित है, ओके, उनको देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप जो बीच में बड़ी मूर्ति जो देख रहे हैं, ये जैन धर्म के तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की 31 फुट अनुहारी प्रतिमा यहाँ पर स्थित है, और दोनों के आजू बाजू में शांतिनाथ और अरेनाथ भगवान की 21 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ विराजमान है। क्या थे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये महाभारत कालीन 5 पांडवों में से 3 पांडव जो आपके बीच में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। जैन दर्शन के अनुसार जब युद्ध समाप्त हो गया था, और जब भाइयों को वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि हमने अपने भाइयों के ऊपर इस प्रकार से छोटे से एक राजपाट के लिए
हमने इतना बड़ा युद्ध किया। जब इसको इनका ज्ञान हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करके वो मुनि बन गए थे, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने राजपाट। तो एक चीज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो भाई जो ये सामने आप देख रहे हैं ये मुगल गेट है, और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे अस्तबल है। अस्तबल उसको क्या कहते हैं? अस्तबल जब सेना के जो घोड़े वगैरह रहते थे। अच्छा, उनसे जो नीचे रुकते थे। हाँ, और ऊपर जो अकबर जो रहता था। अच्छा, अकबर की सेना जो रहती थी वहाँ ठहरती थी। जब भी वो इधर से जयपुर से दिल्ली तरफ जाते थे तो ये इनका स्टॉपेज स्थान था। ओके, बीच का। हाँ, जैन मंदिर घूमने के बाद में मैं आया हूँ भीमसेन के मंदिर में। यहाँ पे ना बोला जाता है कि भीम जी के यहाँ पे चरण है ना, तो भीम जी के यहाँ पे चरण है। तो अभी आपको हम वही दिखाते हैं, वही एक्सप्लोर करने आए हैं। तो कुछ भाई हैं जो घुमा रहे हैं मुझे यहाँ पे, लोकल हैं। तो गाइस ये यहाँ पे लिखा हुआ है भीम जी की गुफा। ये गुफा है जहाँ पर चरण पादुका है भीम जी का। चलते हैं, चलो अंदर। दर्शन कर लेंगे तो मन ले जाऊंगा, मना कर दिया था। दर्शन कर ले तो आराम से। यहीं पे तो बताते हैं। हाँ जी है, वो एक वो पाताल में। अच्छा, था। आ, अच्छा, वो अर्जुन ने जो पानी नहीं, भीम ने निकाला था। अच्छा, अर्जुन ने बाण से बाण गंगा निकाली। तो भाई जी ये है भीम जी। तो यहाँ पे मूर्ति लगा रखी है यहाँ पर। तो गाइस ये वो पत्थर है जो भीम ने उठाया था, और आपको जो ये निशान दिखाई दे रहे हैं ये भीम जी के, कहते हैं कि उंगलियों के निशान है। आप देख सकते हो ये पूरा नीचे हथेली का निशान है यहाँ पे, और ये दूसरी उंगली का निशान है पूरा। और यानी कि जब हम ये यूं करा ऐसे उंगली करके उठाया था तो ये उस चीज़ का निशान है। तो ये सब निशान यहाँ पे उंगलियों पे इस पत्थर से, कहते हैं कि वो पासे खेला करते थे। तो ये पत्थर आप देख सकते हो, इतना बड़ा पत्थर है। तो भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भीम जी का पूरा पैर है। और यहाँ पर जब भीम जी ने पैर लगाया था तो यहाँ से पानी निकलने लगा था। और आप देखो, एक बार ध्यान से देखोगे ना, आपको पूरा ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल पैर का निशान है जैसे। तो बोला जाता है इसके नीचे पाताल भी है, ये बोलते हैं ना। ये तो भाई कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे, तो इसके नीचे पाताल लोक है। हमारे जो भाई साहब हैं, ये जो साइकिल राइड जो कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरे भारत में हमारे साइकिल के, और अपने बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब पैसा नहीं घूम नहीं पाते। तो मैं उन्हें बस अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी देखूँ कैसे जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं फाइनली यार विराट नगर पहुंचा था, और विराट नगर पहुंचते यार एक सीन हो गया है मेरे साथ, तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो भाई हमारी साइकिल हो गई है पंचर, ये ट्यूब ना पूरी फट गई है, पता नहीं इसमें कांटे वांटे लग गए थे कुछ ज़्यादा। और आपको रूट तो आप देखोगे ही, वीडियो में देखा ही होगा। तो यार काफ़ी नुकसान हो गया है, मेरे पास जो 500 रुपये थे उसमें से अब ये खर्चा हो गया मेरा बहुत बड़ा। तो अपनी साइकिल और अपना सारा सामान उधर रखा हुआ है, बहुत दिक्कत हो गई है यार। अब मुझे लग रहा है कि आज रात मुझे यहीं, और आज रात मैं विराट नगर में स्टे करने वाला हूँ। मैंने एक धर्मशाला पूछा है वहाँ पे, तो उसी के अंदर रुकूँगा मैं। तो बाकी देखते हैं, बहुत नुकसान हो गया है।